गुड इवनिंग व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉर्थ राइडर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग करने वाले हैं ड्यूक 200 BS4 और R15 वर्जन 3 BS4 की टॉप एंड रेस। देखते हैं दोनों में से कौन सी आगे जाती है। वैसे तो दोनों अलग अलग सेगमेंट है, एक स्पोर्ट्स है दूसरी नेकेड है, लेकिन अगर पावर कंपैरिजन किया जाए तो पावर में ड्यूक 200 ज़्यादा है और वो 200 cc भी है, ये 150 cc है और इसकी पावर भी कम है, बट ये स्पोर्ट्स में है। यामा लगभग वो 19 bhp के आसपास है और ड्यूक 200 जो है वो 24 bhp है। पावर में 200 बहुत आगे है R15 से। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। R15 तो बहुत पीछे रह गई। परफेक्ट लॉन्चिंग, इसका मतलब ये कि परफेक्ट लॉन्च हुई है बाइक, मतलब 132 133, लेट जाता हूँ और ज़्यादा, बस तो 390 से तो स्मूथ है 200 यार। फर्स्ट राउंड में ड्यूक 200 आ गए हैं, सेकंड राउंड देख लेते हैं। मैं स्टार्ट को देखा, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अच्छा, मैंने बोला ये तो यू क्रॉस कर जाएगी। ओके, पता नहीं क्या मैं सोचता हूँ आपको भाई, इसकी थोड़ी सी पावर कम है, स्पोर्ट्स बेशक है लेकिन पावर थोड़ी कम है। देखते हैं जब मैं उस पर आऊँगा तब देखते हैं क्या है। चल सेकेंड राउंड लेते हैं। एक रेव लिमिटर पहुंच गया। कहाँ है? आ तो रही है भाई, इस बार तो खींच लेगा बंदा मुझे लग रहा है। शुभू कहाँ है मेरे भाई, आजा 150 जाती है R15 तो टॉप एंड, मैं तो फिर भी 132 पे चल रहा हूँ भाई, देख रहे हो भाई लोगों, 150 जाने वाली बाइक का तो पता नहीं है कहाँ पर है, और यहाँ 132 क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अरे बाप रे, ओहो आगे ट्रैफिक है, लिमिट में रहना पड़ेगा। वाकई यार टॉप एंड के मामले में R15 को मानना पड़ेगा भाई, टॉप एंड अच्छा है R15 का। तो चलो R15 वर्जन 3 चलाने का टाइम आ गया अपन। KTM से यामा पे आते ही पता लग गया है रिफाइनमेंट का। इनिशियल में ड्यूक का बहुत फास्ट है यार, क्या पिकअप। यार ड्यूक चलाने के बाद तो R15 चली नहीं रही मेरे से, बहुत आगे निकल गया शुभू। लेकिन थोड़ा सा गैप चाहिए। वैसे ड्यूक को ओवरटेक करने के लिए R15 को काफी लंबा डिस्टेंस चाहिए भाई। भाई साहब कम से कम 5-6 किलोमीटर तो चाहिए। क्या कहते हो, क्या बोलती पब्लिक? टॉप एंड में पहुंचने के लिए R15 ने बहुत टाइम ले लिया,
मतलब कि ड्यूक को पीछे छोड़ने के लिए R15 ने बहुत टाइम ले लिया। और R15 ड्यूक 200 को जब भी पीछे छोड़ सकती है जब लॉन्ग रेस हो। अगर शॉर्ट रेस होगी यानी कि ड्रैग व्रैग रेस होगी तो उसमें ड्यूक 200 आगे ही रहेगी। या ड्यूक 200 का पिकअप ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है उसके अंदर, तो इसलिए भाई थोड़ा सा फ़र्क तो उस चीज़ का भी पड़ता है। यही इंजन अगर 22 BHP का होता तो भाई काफ़ी कम टाइम में डिस्टेंस कवर कर लेती है बाइक। बहरहाल दोनों बाइकें अपनी अपनी जगह प्रॉपर हैं, दोनों बाइकें अपनी अपनी जगह बढ़िया हैं, दोनों का परफॉर्मेंस एक नंबर है। वो इनिशियल पिकअप में ज़्यादा है, ये टॉप एंड में ज़्यादा है। तो बात सीधी सीधी है, जब 50 CC का डिफरेंस है तो नीचे रहेगी। हाँ वो तो है ही, बात टॉप एंड ही करें। टॉप एंड में यार खेल गई और लिमिटर इतना नीचे। हाँ तो ड्यूक 200 KTM DNA प्लस 50 CC ऊपर तो भाई पिकअप खींचेगी। मुझे लग रहा है इसके रेव्स भी ज़्यादा हैं उससे, ड्यूक 200 से इसके रेव्स भी ज़्यादा हैं। इसके रेव्स ज़्यादा हैं, ये ऊपर तक जा रही है। हाँ तो यहाँ पे टॉप एंड में ये और पिकअप में ये। अच्छा अगर ये 22 BHP होती खत्म कर देती है ना। तो चलो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। निशिन वेरी गुड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।